नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक बार फिर से आप सबके लिए मैथ का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग मेरे साथ मिलकर बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हो। तो आइए मिलकर करते हैं। ये तो कल का प्रश्न है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, सभी लोग करके आए होंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। 2a बराबर 3a 3b बराबर 4c, ये लिखा है ना। पूछा क्या है, a अनुपाते b अनुपाते c, ये पूछा है। आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी a b c की गुणांक में कुछ संख्या है दी हुई ना, संख्या है जो भी संख्याएं दी हैं उनका व्युत्क्रमानुपात निकाल दो, आपका a b c में अनुपात आ जाएगा। व्युत्क्रमान मतलब उल्टा, तो दो का उल्टा एक बटे दो, तीन का उल्टा एक बटे तीन, चार का उल्टा एक बटे चार। अब क्या करना है, इसका सही अनुपात बनाने के लिए दो तीन चार का लो लाशा, लो लाशा। प्रत्येक पद में जितना लाशा है कितना है, बारह, बारह से कर दो गुणा, कर दो प्रत्येक पद में बारह से गुणा, बारह से गुणा कर देंगे बारह, और इधर भी हमने बारह से गुणा कर दिया। दो से कटा कितनी बार, छः बार, तो छः आया। तीन से कटा कितनी बार, चार बार, तो चार आया। और चार से कटा तीन बार, तो कितना आया, तीन। अनुपात क्या बना आपका, छः अनुपाते चार अनुपाते तीन। जिस भी ऑप्शन में हो आपका सही हो जाएगा। कौन सा है, ए रहा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। जिसका छः चार तीन है वो मज़े कीजिए, और जिसको नहीं आता था वो समझ लीजिए क्या करना था क्या नहीं। चलते हैं आज का जो मॉक टेस्ट है उसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बिल्कुल। क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताओ जो 15, 18, 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है और 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या पूछी, जो भी अंक दिए हैं उनका आंख बंद करके आपको लाशा निकालना है, क्योंकि छोटी से छोटी बात है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 15, 18 और 24 इनका निकालो, क्या लाशा निकालो। आप सीधा तीन से दे दो, पाँच ही 15, छंग 18 और 3 8 24 हो जाएगा ना। अब तीन से फिर से दे दो, 5 3 2 6 और 8 हो गया, हो गया ना। अब दो से दे दो, ये 5 हो गया, 2 1 2 2 4 8। फिर 4 से दे दो, ये 5 हो गया, 1 और 1। फिर 5 से दे दो, 1 1 1 1 आ गया ना। लाशा क्या आएगा, इन सब का कर लो गुणा, 3 3 9 2 18 4 72 5 360। तो लाशा कितना आया, 360 LCM आया। अब आप एक चीज़ बताओ, ये 360 एक ऐसा नंबर है जो 15 से 18 से और 24 से पूरा पूरा विभाजित होता है, क्योंकि जो लाशापा आता है वो दी हुई संख्याओं से विभाजित होता है। ये तो क्लियर हो गया 360 से, कि भाई 360 जो आया वो 15, 18, 24 से पूरा पूरा विभाजित हो, लेकिन वो बोलता है कि इनसे विभाजित करने पर कितना चीज़ बचता हो, 8। तो ठीक है, लिख दिया हमने 8, जोड़ दिया। आपका जो नंबर आया वो आया 368। आगे एक लाइन जुड़ी है, बहुत ही प्यारी लाइन है, वो लिखा है कि वह जो नंबर है, जो संख्या आई है, वो 13 से पूरी पूरी क्या है, विभाजित। तो भाई आप इसमें 13 से भाग देकर देखो, देखो देखो 13 से भाग जाएगा क्या, जाएगा। देखो इसमें अगर हम देंगे तो 13 2 26 10 बचा, 108 हो गए, और 13 8 104 3 9 117 नहीं जा रहा ना, वैसे ही बचेगा। 13 से तो विभाजित नहीं हो रही संख्या, तो भाई 368 वो अंक तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। जब ए अंक नहीं हो सकता तो हम इसको हटा देंगे, हटा दिया। अब क्या करेंगे, हम 360 का मल्टीपल ढूंढेंगे, क्या करेंगे, गुणक ढूंढेंगे। तो भाई 360 का दूसरा गुणक ढूंढा, कौन सा आ गया, 720। इसमें जोड़ दो 8, जो गुणक आया ना उसमें हम ऐड कर देते हैं जितना शेष बच रहा है। अब संख्या हो गई आपकी 728, ये बनी एक संख्या। अब इसमें भाग देकर देखो, दे 13 का भाग देकर देखो, जा रहा क्या, जा रहा क्या, 13 का भाग जा रहा क्या, भाई 13 का देंगे, 13 65 कितना बचा, 65 है और 7 बचा, 13 6 78, 13 से कट जाएगा भाई, पूरा पूरा विभाजित है, तो आपका नंबर क्या होगा, 728। अब क्या पूछा था कि छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो, योग पूछा था ना, योग जब पूछा है तो योग के लिए क्या करना है, इन सबको जोड़ दो, 7 2 8 कितना आएगा, 8 2 10 7 17। जिस ऑप्शन में 17 हो वो ऑप्शन हो गया आपका, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, बिल्कुल आपके सामने रहा, बिल्कुल उत्तर यही होगा, और सबसे सरल और टिकाऊ विधि यही रहेगी, आपको यही लगानी पड़ेगी, तभी आपका परीक्षा में ये सवाल हल हो पाएगा जल्दी से जल्दी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, क्या लिखा है, n एक तीन अंकों की अभाज्य संख्या है, n एक तीन अंकों की अभाज्य संख्या है, जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे तीन अंकों की सबसे छोटी, ये लिखना था कि सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है, जब n को 13 से विभाजित किया जाता है, तो तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101, यही होती है तीन अंकों की। भाई तीन अंक है, अभाज्य संख्या भी, अभाज्य भी है। अब अभाज्य है और इसको क्या करना है, 13 से विभाजित, भाई 13 से करेंगे इसको विभाजित, करो 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 करो,
तेरह छः अठहत्तर, तेरह सत्तर इक्यानवे, तेरह एक सौ चार, तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो तेरह सत्तर इक्यानवे कितना बचा, जीरो, दस में से नौ गए एक, दस से इस बचा। बस इसमें कुछ नहीं था, आपको अगर पता है कि तीन अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है तो आपने उत्तर लगा लिया, बस तेरह से भाग देना था, दस शेष बचा, तो शेषफल ही पूछा क्या, हाँ बिल्कुल पूछा, तो शेषफल कितना, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न पूछता है कि यदि एक्स तथा वाई एक संख्या चौंतीस एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या अस्सी से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो एक्स प्लस वाई का मान याद करो, ठीक है भाई, जब चौंतीस एक्स वाई में हम 80 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। एक चीज़ आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं अगर उसमें जीरो है ना जीरो, तो जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसका अंतिम अंक भी जीरो होगा, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है भाई, तभी तो जीरो से जीरो कटेगा। अब आठ का भाग देना है, आठ की विभाज्यता का नियम है कि जो अंक है ना, जो संख्या है, संख्या क्या है आपकी, चौंतीस एक्स वाई, तो इकाई दहाई सैकड़ा, संख्या के इकाई दहाई सैकड़े से निर्मित जो संख्या है वो संख्या अगर आठ से विभाजित है तो वो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी आपकी, हो जाएगी आठ से, ठीक है। तो भाई फोर एक्स वाई, इसमें वाई आपको पता चल गया कि जीरो है, ये तो जीरो है ही ना, बता दिया ना कैसे भाई, अंतिम अंक क्या है अस्सी में, जीरो, जीरो है अस्सी ना, तो भाई इसका अंतिम अंक भी जीरो होना चाहिए, तभी जीरो का भाग जाएगा भाई, अस्सी का जाएगा, ठीक है। तो वाई का मान तो जीरो हो गया, अब एक्स का मान हमें पुट कराना है, तो भाई अगर हम दो रख के देखें तो यहाँ 420 हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम 420 को आठ से देखे देखें भाग, भाई 420 का ध्यान रख क्या, आठ पन 40 कितना बचा, दो अंक उतारा जीरा, आठ दूनी 16 कितना बचा, चार, शेष और चलाना शेष। तो भाई एक बात तो क्लियर हो गई कि ये पहला ऑप्शन तो नहीं है, नहीं है ना, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, हट गया। चलो दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं, छः, भाई तो 460 हो गया। अब देखिए, देखो आठ का, आठ का भाग देंगे तो आठ पंचालीस 40 हो गया, छः के अंक उतारे जीरो के, तो आठ सते 56 कितना शेष बचेगा, चार बचा ना, जब शेष बच रहा है तो कटेगा नहीं, तो भाई ये भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। चलो अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन, तो ये भी नहीं हो सकता भाई साहब, जब ए भी नहीं हो सकता, दो भी नहीं है, छः भी नहीं है, तो चार रखते, रखो चार, जब चार रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 440। अब देखे देखो आठ का भाग, आठ का आठ पन 40 अंक उतारे जीरो के, तो आठ पन 40 ये कट गया, किससे भाई, चार रखने पे कट गया, चार रखने पे कट गया, कट गया ना भाई, चार रखने पे कट गया। तो y का मान तो ऑलरेडी आपको पता चल गया जीरो, x का मान पता चल गया कितना, चार। क्या पूछा था, क्या पूछा था कि अगर, क्या पूछा है कि भाई साहब x प्लस वाई पूछा तो कितना, 4 प्लस जीरो कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो गया, आंसर बताओ, इतना सरल था, इतना सरल। यहाँ आप एक चीज़ और नोटिस करना कि 8 रखने से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन 8 से छोटा तो 4 है ना, तो पहले तो 4 आया, आपने 4 रख के देख लिया कि भाई कट गया, तो फिर क्यों 8 पे जाओगे, नहीं जाओगे ना, तो भाई 4 से जब हो गया तो हम 8 क्यों लेंगे, नहीं लेंगे ना, बिल्कुल। तो छोटे से छोटा अंक आपका अगर रखने से आता है तो आप उसको ही उत्तर मानिए, ठीक है। चलते अगला प्रश्न, ये रहा बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे, और स्क्रीन कहती है कि यदि ए का 30% बराबर बी का इतना और सी का इतना, तो ए अनुपाति बी अनुपाति सी कितना, बिल्कुल ठीक है। तो ए का 30% का मतलब गुणा 30% मतलब बटे में 100, इतना तो आता ही होगा भाई, आने लगा ना। बी का मतलब गुणा 0.25, अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा पट्टी में 100, क्योंकि दो अंक के बाद कितना है, दसवां लगा है, तो भाई दो जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, और सी का 1/5, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब काटो, देखो जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, ए 25 कम 25 और 25 सौ के 100 कट गए। अब देखो क्या बचा, ए बचा ए गुणा 3/10 बचा, और ए बचा बी गुणा 1/4 बचा, और ए बचा सी गुणा 1/5 बचा। चाहिए क्या आपको, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, भाई ए अनुपाते बी अनुपाते सी के लिए मैंने क्या बोला कि जब भी ए बी सी के गुणांक में कुछ गुणा में कुछ संख्याएं लिखी हैं उनका व्युत्क्रमानुपात निकाल दो, तो भाई उल्टा निकालेंगे तो 3/10 का उल्टा 10/3 अनुपाते, 1/4 का उल्टा 4/1 अनुपाते, और 1/5 का उल्टा 5/1। अब हर का लेते हैं लाशा, 3 × 1 का लाशा कितना आएगा, 3 आएगा ना, देखो 3 आएगा, बिल्कुल आएगा 3, जब 3 आएगा तो 3 से तो 3 कट गए, और कुछ कट रहा क्या, नहीं, देखो 10/10 यहाँ 4 × 3 = 12 / 5 = 15 कौन सी ऑप्शन में है, 10 12 15 10 12 15 आपका बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया, उत्तर भी आया,
बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, आसानी से आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ये रहा प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता है कि दो बर्तनों में स्प्रिट और पानी का मिश्रण 5:3 और 2:3 है। दो बर्तन हैं, अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक में तो है 5:3 में, स्प्रिट को एस मान लें और पानी को डब्ल्यू, वाटर है, ठीक है, इसमें अनुपात है। दूसरा एक बर्तन है उसमें 2:3 का अनुपात है, इतनी बात ठीक है, यहाँ तक की तैयार किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया है, मतलब इससे भी ही जितने ग्राम लिए उतने ही इससे ग्राम लिए, ठीक है, अनुपात समान लिया, समान मात्रा में दोनों को लिया जाता है और तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। तो तीसरे मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप देखो कि अगर हम मान लें स्प्रिट 5 किलो है और वाटर 3 लीटर है, और स्प्रिट 5 लीटर है, सॉरी लीटर मान लो, लिक्विड है ना इसलिए लीटर मानेंगे, तो 5 और 3 मिला के कितना हो रहा, 8 लीटर है कि नहीं। ऐसी अगर 2 लीटर स्प्रिट है दूसरे बर्तन में और 3 लीटर वाटर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 लीटर हो रहा दूसरे बर्तन में। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि समान मात्रा लेनी है, तो समान मात्रा भाई यहाँ पे 8 लीटर है, यहाँ पे 5 लीटर, तो दोनों को समान बनाएंगे कैसे। अगर हम इसमें 5 का गुणा कर दें और 8 का गुणा इधर करते हैं तो समान हो जाएगा भाई, 45 दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। देखो कैसे, अभी बताता हूँ, बहुत आसानी से समझने वाले हो आप। अगर मैं इस पूरे में किससे गुणा कर दूँ 5 से, और इस पूरे में किससे गुणा कर दूँ 8 से, तो देखो 45 आ जाएगा यहाँ पे और 45 यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा ना, दोनों की मात्रा समान है भाई, 40-40 लीटर ले रहे हैं ना दोनों के भाई, अनुपात समान है, बराबर बराबर ले रहे, तो भाई दोनों का अनुपात समान करना पड़ेगा। अनुपात मतलब उनका जो अनुपात योग है वो समान कर लो बस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो इस 5 गुणा इस अनुपात में करो, तो पहले ही वाले में करें तो 25, ठीक है, एम्प्लाइज लगा लो इधर पर, और 5 3 15 स्प्रिट है, ठीक है, स्प्रिट के नीचे स्प्रिट लिख रहे हैं ना, देखो, और इधर 8 से गुणा करेंगे तो 8 2 16 अनुपात है, 8 3 24 यही आएगा ना भाई, ये स्प्रिट है पहला वाला, तो इसको जोड़ो कितना आया, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, 6 5 11 और 2 1 3 1 4, और इसको जोड़ लो वाटर वाटर को, तो 5 4 9 और 2 1 3, इसको जोड़ना है ओनली इस पूरे को बस, तो 2 1 3 आया, आया ना, इसको अच्छे से लिख दें भाई, 3 अच्छे से लिख जाने चाहिए आपके, तब तो समझ में आएंगे। इसको मिटा दें, अब लिख देंगे अच्छे से 3, देखो कितने अच्छे से लिख गए ना, ठीक है। तो आपका जो नया अनुपात बना वो कितना बना, 41:39, कुछ नहीं करना है, अनुपात समान करो और जोड़ दो, स्प्रिट को स्प्रिट से, वाटर को वाटर से, उत्तर आ गया कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो गया, हो गया ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, बोलता है कि सीता की आय गीता की आय से 20% कम है, रहने दो कम, क्या दिक्कत है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो जितने प्रतिशत कम है उतना गुणा 100 बटे, क्या करना है, बटे अगर कम है तो 100 में से घटा दो, और अगर ज़्यादा है तो 100 में जोड़ दो, तो कम है ना 20% कम है तो 100 में से 20 घटा देंगे, कितना बचा 80, काट लो 20 चौके 80, 4 से कट गए कितनी बार 25%, उत्तर कितना आया 25% अधिक है। कुछ नहीं करना है, प्रतिशत गुणा 100 बटे 100 माइनस प्लस कमी या वृद्धि, अगर कमी है तो घटा दो और वृद्धि है तो जोड़ दो, 25% ए ऑप्शन आपका सही हो गया, इतना सरल था, बताओ। अगला प्रश्न क्या कहता है, ए रहा अगला प्रश्न, क्या बोलता है कि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई, ठीक है, बेचने दो हमें, क्या वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो, MRP चाहिए, MRP चाहिए ना, अंकित मूल्य मतलब MRP चाहिए। MRP बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100, SP गुणा SP मतलब सेलिंग प्राइस, समझ रहे हो ना, MRP मतलब अंकित मूल्य, ठीक है, मार्क रेट रेट प्राइस बोलते हैं ना इसको, MRP को, ठीक है, 100 माइनस छूट परसेंट, यही लगाना है आपको, यही होता है। तो SP कितना है 24 गुणा 100, 100 माइनस छूट परसेंट, तो 100 में से 20% घटा दो, कितना बचा आपका 80, काट लो 20 25 100, 20 चौके 80, 4 से कट गए 6 बार, 6 गुणा 5 कितना आया 30 रुपये, बताओ इतना उत्तर, यही तो उत्तर है, सरल भी है, ए ऑप्शन आपका सही हो गया। 7 क्वेश्चन लग गए और बड़े ही आसानी से, बहुत ही बारीक से बारीक गलतियां भी नहीं होने दी ना, आराम से आ गए। चलो अगला प्रश्न क्या होता है, बोलता है कि 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ बताओ आप कि जो आपके पास मूल होता ना, मूल वो हमेशा 100% होता, तो 100% कितना दिया 1500, यही तो मूलधन है,
मूलधन दिया है कितना है 1500 रुपये का धन है, तो भाई जो मूलधन है वो अपने आप में 100% है, पूरे के पूरा है, ठीक है। अब देखो 6% के हिसाब से 5 साल तक ब्याज मिला, 5 साल तक उधार दिया गया था, तो भाई 6% से 5 साल तक कितना ब्याज मिला? ब्याज मिला होगा आपको, ब्याज क्या होता है, रेट में टाइम से गुणा करो आपका ब्याज निकलेगा, रेट में करो, रेट कितनी है, रेट मतलब दर 6% है और समय कितना है 5, तो आपको कितने प्रतिशत ब्याज मिला, 30%। इतनी बात समझ में आई। अब क्या बोलता है कि अवधि के अंत में मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है कि मूलधन में ब्याज जुड़ के जो राशि मिलती है उसे बोलते हैं मिश्रधन। तो भाई मूलधन आपका 100% था, 30% ब्याज मिल गया, तो भाई दोनों को मिला के कितना मिला, 130%। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, यही तो करना है, 130% निकालना है भाई, 1500/100 और गुणा 130, बताओ इतना आसान है, कट गया ना 0 से 0, कर लो गुणा, 0 13 5 65 और 13 13 6 1950 रुपये, जिस भी ऑप्शन में हो वो आपका उत्तर हो गया, ए रहा सी ऑप्शन। कुछ नहीं करना था भाई, ब्याज निकाल लो, ब्याज और मूलधन जोड़ो तो भाई तो मिश्रधन है, 130% बना आपका मिश्रधन, वही तो निकालना है, तो भाई 100% बराबर 1500, तो 130% बराबर, बड़े आसानी से कर लिया, 1950 रुपये आ गया, बड़े ही आसानी से उत्तर आ गया। चलो अगला प्रश्न जो है वो आपको घर से लगा के आना है। लिखा है कि यदि धनराशि के 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 1 रुपये है तो राशि ज्ञात करो, इसके ऑप्शन मैंने नहीं दिए हैं, तो आप उत्तर कमेंट में बताइए कितना आ रहा है आपका, लिख के बताइए मुझे, समझाइए कि उत्तर इतना ही आएगा, अगर सही है तो मैं बिल्कुल आपको कल बिल्कुल इसको चेक करा दूंगा, अगर सही है तो सही है, गलत है तो मैं आपको बता दूंगा भाई गलत है, चेक कर लेना आप, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी, ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए, हमेशा मैं आपके लिए आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहूँगा, बस आपको मेरा हौसला बढ़ाना है, और हौसला तभी बढ़ेगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, मेरी मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।